हाय गाइस, हमारे YouTube चैनल वह तक पर आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम कोशिश करते हैं आपके हर सवालों का जवाब देने की। हमारे एक दर्शक गणेश जी, जो कि मैसूर से है, उन्होंने हमें पूछा है कि कौवों को खाना क्यों खिलाते हैं। तो हमने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने यह बताया कि कौवे जो है वो उनके पूर्वज रहते हैं और वो कौवों के रूप में उनके घर आते हैं, तो ऐसे कौवों को खाना खिलाने से उनको संतुष्टि मिलती है। तो कोई लोगों ने यह बताया कि कौवे जो है उनको खाना खिलाने से उनके ऊपर जो शनि की वक्र दृष्टि पड़ी है वह कम हो जाती है। तो कोई लोगों ने यह बताया कि कौवों के पास एक मिराकुलस पावर रहती है, जिसकी वजह से दे कैन कनेक्ट विद द स्पिरिचुअल वर्ल्ड विद द लिविंग वर्ल्ड। लेकिन यह एक हर एक का श्रद्धा और आस्था का विषय है और हम उसका सम्मान भी करते हैं। लेकिन जब हमारे वायतक के टीम ने इसके पीछे की कारण खोजने की कोशिश की, तो कुछ तथ्य सामने आए। पहला तथ्य यह कि आज के जमाने में जैसी पक्की रूफिंग हुआ करती है घरों की, वैसी रूफिंग नहीं हुआ करती थी। पहले के जमाने में घर जो होते थे वो पेड़ की डालियों से बना हुआ करते थे और उनमें पॉइजनस इंसेक्ट्स या लिजार्ड रहते थे, और पहले के जमाने में खाना भी बहुत अर्ली मॉर्निंग बनाया जाता था और आज की तरह तब लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी, तो अननोटिसिंगली उसमें ये पॉइजनस इंसेक्ट्स या लिजार्ड गिर सकते थे। और कौवा यह एक ऐसा बर्ड है जो कि शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, और वह यह क्षमता रखता है कि अगर खाना पॉइजनस है तो उसको वो छूता भी नहीं। तो जस्ट एज अ टेस्टिंग मेथड हमारे पूर्वजों ने यह प्रथा बनाई, क्योंकि अगर वह खाना कौवा नहीं खाता है तो वो समझ जाते थे कि यह खाना पॉइजनस है और वह खाना डिस्कार्ड कर देते थे। दूसरा तथ्य यह सामने आया कि कौवे की जो डाइजेशन पावर है उसमें एक मिराक्युलस थिंग है, जो कि हमारे पीपल या बनियन ट्री है उसके सीड्स बहुत हार्ड रहते हैं और उसके गट्स में वह सीड्स डाइजेस्ट हो जाते थे, और जब भी कौवा फ्लाइंग करता होगा उसके ड्रॉपिंग्स गिरते थे तो वह सीड्स गिर जाते थे और वह इस पीपल और बनियन ट्री के प्लांटेशन में हेल्प करता था। और आपको पता ही है कि पीपल ट्री और बनियन ट्री ऐसे ट्रीज है जो 24/7 ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन रहेगा तो हम रहेंगे और हम रहेंगे तो हमारे पूर्वज भी खुश रहेंगे। तो मे बी यही रीजन हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने यह प्रथा क्यों बनाई। और थर्ड चीज यह है कि हमारे पूर्वजों को पता था कि इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए, वह बोलते थे कि जियो और जीने दो। तो कौवों को खाना खिला के यह प्रथा चालू करके उन्होंने यह शुरू किया कि कौवों की जो प्रजाति है वो इकोसिस्टम में बनी रहे और इकोसिस्टम का बैलेंस भी मेंटेन रहे। तो दोस्तों, अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या हमें ईमेल कीजिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हिट ऑन द बेल बटन, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विजिटिंग आवर चैनल।